तो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है मेरे लिए, और मेरे लिए कहना सिर्फ ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम से आप लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि अपनी वीडियो की क्वालिटी सुधारो, आपका वीडियो बहुत अच्छा है पर उसकी थोड़ी सी क्वालिटी और सुधर जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ा एकदम तेज़ी से बूम मिलेगा आपके व्यूज़ पे वीडियो पे, या व्यूज़ आप जो दिखा रहे हो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो तो शुक्र है कि भी मेरी बातों की वजह थोड़ा बहुत आप लोग देख लेते हो, तो आप समझ भी गए होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हमने एक कैमरे को अमेज़ोन के थ्रू ऑर्डर करके मंगवाया है, और अभी मैं उसकी अपनी लाइफ की पहली अनबॉक्सिंग, मतलब उस कैमरे की भी और अपनी, मतलब किसी भी तरह की अनबॉक्सिंग, पहली अनबॉक्सिंग करके वीडियो डालने जा रहा हूँ। और उसमें आपको कैमरा भी मालूम पड़ जाएगा, कैमरा कौन सा है, व्लॉगिंग के लिए है नहीं है, और उसमें क्या क्या चीज़ें मिली है, मैंने उसी कैमरे को क्यों चुना और किस तरीके से चुना, और आपको कोई भी शॉपिंग करनी है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अमेज़ोन से तो कैसे उसको चुनना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने से पहले, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और कैमरा पूरा दिखाएंगे, वो कैमरा है किस टाइप का कैमरा है, और उसकी कीमत बताऊंगा कि कितने का है, और ये बताऊंगा कि उसके लिए पैसा कहाँ से आया, मतलब पैसा अरेंज मैंने कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगी। और तो चलो अब हम उसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। ये मीठा फीका पानी पिला रही है, और अब शुभ चीज अपने हाथ में लो इसे खोलने के लिए। अच्छा शुभ चीज, ये शुभ चीज है ये है। चलो हटाओ ये बर्तन, हटाओ ये। अपने कलर वलर क्यों नहीं समेटे तूने? ये यशिका के कलर है। हाँ, तो वो भी कलर क्यों लाई थी इस पे करने के लिए? हाँ, अच्छा। ये टॉनी भी यहाँ बैठ गया है, पूरा परिवार हमारा साथ में है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हमारे लिए क्या पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए, क्योंकि इससे अब क्या सुधार आएगा, आप लोगों को क्या चीज़ें कितनी देखने को मिलेंगी पता चलेगा। तो ये हमने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, ये मेरा नाम एड्रेस वगैरह ये सब आया है। ये पुराने वाले घर के एड्रेस पे आया था, कल हम लोग गए इसको वहाँ पे पुराने वाले घर पे, वहाँ पे जाके हमने ये डिलीवरी ली, और उसमें भी दिक्कतें बहुत आई क्योंकि हमें, हम लोग ज़्यादा शॉपिंग वगैरह कभी ऐसा हमने मंगवाया नहीं सामान अमेज़ोन से, तो हम लोग वहाँ पे चले गए ये सोच के कि वही कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा होगा कि कैश तो लेंगे नहीं, और वाईफाई हम वहाँ से कटवा चुके थे, तो मैं अपने फ़ोन वगैरह फ़ोन से ही हम लोग गए दोनों, और वहाँ पे जाके वो भी बहुत जल्दी में था क्योंकि उसको बहुत सारी डिलीवरी करनी थी, तो फिर फाइनली पेमेंट ही ना कर पाए हम उसे, और पेमेंट नहीं कर पाए तो वो डिलीवरी कैसे दे, वहाँ पे नेट नहीं प्रॉपर, बहुत दिक्कत हुई। फिर फाइनली उसने कोऑपरेट किया और उसने कहा कि ठीक है मैं इसको कैश ऑर्डर कर देता हूँ, कि कैश मैंने ले लिया है, अब मैं अभी 15-20 मिनट इसी इलाके में हूँ, आप ATM से पैसे निकाल करके मुझे फ़ोन कर देना, तो यहीं कहीं हम रास्ते में मिलके मैं आपको डिलीवरी दे दूँगा। फिर हमने कहा ठीक है, नहीं तो मैंने कहा आप कैंसिल कर दो कोई बात नहीं, आपको भी परेशानी हो रही है, आपका भी नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं। फिर हम लोग फटाफट ATM गए, ATM से हमने पैसे विड्रॉल किए, उसको फ़ोन किया तो वो डिलीवरी बॉय आसपास ही था, तो उसके बाद हमने उसको पैसे दिए और ये ले लिया। ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे से ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, आपकी आंखों को बहुत इरिटेशन होती थी मेरे हिलते हुए वीडियो देखना और क्लियर नहीं है वीडियो, बहुत सारी दिक्कतें रहती थी, बहुत लोगों ने सजेशन दिए पर मैं कई रीजंस की वजह से ले नहीं पाया, और अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही आपको कि कैसे लिया, कहाँ से पैसे आए, कितने का है, ठीक है। और ये कहीं ऐसा ना हो कि खोलें और अंदर से वो लकड़ी का टुकड़ा निकले या पत्थर निकले, ऐसा भी प्रैंक नहीं, यहाँ मालूम पड़े कोई ठग लेगा हमारे को प्रैंक तो हमारा प्रैंक हो जाएगा।
जेरी को भी देखिए ऐसे लग रहा है केक खुलने वाला, केक नहीं है इसमें, तुम लोग ऐसे सदस्य आके बैठ गए हो, इसमें कोई खाने की चीज है, कोई केक है, कोई पिज्जा निकलेगा इसमें? आइसक्रीम कैसी होती है? अन देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू, ढंग से अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाना, के अंदर से लकड़ी पत्थर निकले तो कल को भैया दिखा तो सके। ये है क्या है ये? है ये बिल है, ये अमेज़ॉन का बिल है जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा डिटेल में, ठीक है? तो इसको हम अभी रख देते हैं साइड में, और ये अंदर से ये चीज़ निकलेगी, कैसोन का हाई डेफिनेशन स्पोर्ट्स GoPro 4K, रियल 4K और क्या क्या है, मैंने इस पर कुछ रिसर्च करने के बाद ही इसको चुना है, ठीक है जी। ये हमारा कोई ये बॉक्स निकला इसके अंदर से, ये तो अब खाली हो गया, इसको हम रख देते हैं साइड में, इसको साइड में रखो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक साइकिल की फ़ोटो, उनको मालूम है साइकिलिस्ट ने कैमरा मंगवाया। ये क्या लिखा है इसमें? कैसोन, ये कैसोन का GoPro है 6 CS6 एक्शन कैमरा, कैसोन कंपनी का GoPro है ये, CS6 एक्शन कैमरा लिखा हुआ है इसमें, जो इसका मॉडल नंबर है, और ये सब बाकी ये सब फॉर्मेलिटी, ये इसके सारे वो सब लिखे हुए हैं, इसकी मैं फ़ोटो डाल दूंगा, ये जो भी आपको पढ़ना हो। और एक कमाल का ट्विस्ट है इस वीडियो में, कि ये वीडियो मैं बनाऊंगा, पर इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग तो करूंगा, पर इसका सैंपल टेस्ट आपको नहीं दिखाने वाला मैं। आपको यार ये क्या फ़ायदा हुआ कि भी सैंपल टेस्ट नहीं दिखा रहे हो आप, तो सैंपल टेस्ट इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे होगे उससे लगभग 3 दिन पहले से जितने भी वीडियो देख रहे होगे वो इसी कैमरे की, मतलब मैं जब ये आप वीडियो इस वीडियो को इस कैमरे को यूज़ करने के 3 दिन बाद मैं ये वीडियो डालूंगा, तो आपको क्वालिटी टेस्ट जो करना है वो 3 दिन के वीडियो आप देख लेना, देख तो रही होगे पर आपको ये नहीं मालूम होगा कैमरा बदलाव हो गया है कैमरे में, क्योंकि और ज़मीन आसमान का बदलाव है, मतलब एक सैमसंग का गैलेक्सी सैमसंग J7 Prime 6 साल पुराना, अब ये खुलेगा कहाँ से? ऐसे खुलेगा? अच्छा टेप लगी है यार, मैं तो पहली बार खोल रहा हूँ, तुम लोग तो खोलते रहते हो। चलो केक की अनबॉक्सिंग लेयर काटे, नहीं ठीक थी। मुझे ऐसे डिब्बे नहीं पसंद, मुझे ऐसे खोलते हैं बड़ी दिक्कत होती है खोलने में, इसीलिए ऐसे डिब्बे बनाए जाते हैं ना, थोड़ा सेफ रहे। तो पैकिंग तो ज़बरदस्त है, बाकी मालूम नहीं अंदर से क्या निकलेगा, देखो ये बड़ा अच्छी पैकिंग है, और ये पैकिंग ऐसे बनाई है कि ये इसके ऊपर जब चढ़ जाएगा ना तो भी ये दोनों खिड़कियाँ ट्रांसपेरेंट वाली मैच करेंगी। कैमरे का तो पता नहीं, हम तो डब्बे से ही खुश हो रहे हैं। ये सब एसेसरीज इसमें मिलेंगी इतनी सारी, ये इसमें एसेसरीज मिलेंगी इतनी सारी, एसेसरीज में हमें मिलेगा एक छोटा सा मिनी ट्राईपॉड भी मिलेगा, हमें चाय ठंडी हो रही है, और हेलमेट माउंट, बैटरी के चार्जर मिलेंगे जिसमें 2 बैटरी आप एक साथ चार्ज कर सकते हो, ये वाला। ये कितना हार्ड है, अच्छी क्वालिटी का है। कैसोन 15-in-1 एक्शन कैमरा, 50 एसेसरीज लिखी है इसमें, 50 एसेसरीज इन वन कैमरा, तो देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अच्छा इसमें आपको एक बैटरी स्टैंड बाई मिलेगी, मतलब टोटल 2 बैटरी मिल रही है आपको, रिचार्जेबल बैटरीज। ये सब चीज़ों की ना मैं आपको फोटो डाल दूंगा, आप लास्ट में आराम से इसको पढ़ लेना, और रिव्यू के लिए कि क्वालिटी कैसी है वो तो आप 3 दिन पहले से जो वीडियो देख रहे हो, जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो वो आपको मालूम पड़ जाएगी, और आने वाले दिनों में अगर कोई फ्यूचर में दिक्कत आई तो सबसे पहले इमीडिएटली मैं इसमें इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बजट कैमरा है, ये ऐसा नहीं कि टॉप कैमरा है, पर मेरे बजट के हिसाब से ये ठीक है। बाकी एक ऐसा सा आपको इनकी तरफ से एक प्रेम पत्र भी मिलेगा, फोटो खींच के डाल दूंगा, पढ़ लेना, मेरे बस की नहीं है ये सब पढ़ना,
क्योंकि लोन लेते टाइम नहीं पड़ते जब अपना सब कुछ हम लोग उनके साइन कर देते हो। ये तो फिर भी ये देखो एक और वो देना वो वाला। अरे कहीं ऐसा ना हो कि लेटरों का ही वजन हो और अंदर कुछ निकले ही ना। ये भी है, ये क्या है, कैजोन 4 मोटो ब्लॉगिंग 3.5 mm पिन एक्सटर्नल माइक। अच्छा ये माइक जो इसके साथ आपको एक्सटर्नल माइक मिलता है तो ये माइक के लिए है ये, ठीक है। ये सब लेटर की ना फोटो खींच करके हम आपको लास्ट में डाल देंगे, पहले ये सब पकड़ो। ये बिल है, ठीक है। अभी आ रहा है हमारा गोप्रो भाग, जो जो मिलेगा उसका हम वो देखते रहेंगे कि है। ओह ये है गोप्रो पकड़ेंगे कैसे टॉनी, ये गोप्रो है, इससे भी तो बनेगा तेरा। ये वाटरप्रूफ केस है इसका, ये पानी में काफी नीचे तक जा सकता है, थोड़ा बहुत तो के नीचे के लिए तो गोप्रो भी काम कर जाता है। ये सिर्फ मेन जो है जब आप ज्यादा गहराई में जाना है तो ये वाटरप्रूफ केस है, और नहीं तो वैसे भी ये काम करता है, ठीक है। तो ये मतलब दिखने में बढ़िया जबरदस्त है, तो जो बढ़िया वाले गोप्रो होते हैं वो कितने बढ़िया होते हैं। इसको खोलते हैं, ये अब हमने खोला। ये क्या है, अब आएगा गोप्रो भार, और ये आ गया है गोप्रो भार। अच्छा। ये इसका वाटरप्रूफ केस है, वो पेंसिल लेके बैठी टिक करने के लिए 50 एक्सेसरीज निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ये केस लगा हुआ है ना, इसी के अंदर कैमरा, तो ये छोटा सा इसके ऊपर ना हमें वो लगवानी पड़ेगी, वो स्क्रीन गार्ड। यहाँ पे स्क्रीन कार्ड लगवा देंगे एक, और एक इधर स्क्रीन कार्ड लग जाएगा, वैसे लगा हुआ आया भी है, और कैमरे के ऊपर कोई लेंस कवर भी आता होगा, क्यों अब हमारे लिए तो जो भी कुछ है यही है। ये कैसे खुलेगा, यहाँ ये बंद की इसके रियल 4K EIS है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्या यार, EIS की फुल फॉर्म मैंने पढ़ी थी, EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज, हाँ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, मतलब जो चलते टाइम ब्लॉगिंग करते टाइम हाथ हिलता है, और मेरा तो सबसे ज़्यादा हिलता था, और मैं तो कभी भी सीधे खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर आप देखोगे ना मेरे किसी भी वीडियो में मेरे पैर चलते रहते हैं, मैं एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, तो मेरा वो ऐसे भी वो सब रहता है, तो उसके लिए बेनिफिट है, ठीक है जी। इसका हेलमेट कौन है, हेलमेट थोड़ी देंगे, हेलमेट तो कैसा हेलमेट, हेलमेट माउंट मतलब हेलमेट पे लगाने के लिए, हेलमेट भी दे देंगे, फिर वो तो बाइक भी दे दो, बाइक भी दे देंगे। कितनी छोटा छोटा है, इसको अब हम ना बाद में देखेंगे, ये कवर को रख दो, इसको हम अभी पहले इसकी एसेसरीज चेक कर लेते हैं, है ना, इसको साइड में रख दो यार, मेरे चीज ना भूल जाए। ये डब्बे हैं अंदर, एक ये बॉक्स निकलेगा अंदर से, और एक ये बॉक्स निकलेगा, और ये तो खाली है, ठीक है। ये तो हो गया कैमरे का रखने का जगह, तो ये खाली हो गया, इसको रख दो साइड में। अब हम पहले ये वाला खोलते हैं, इसमें क्या क्या निकलेगा, ये सब वो क्लिप है, माउंट है, जो आपने कभी शर्ट पे लगाना है, बेल्ट पे लगाना है, ये रिमोट है, इसको आप हाथ में ऑन ऑफ और वीडियो फोटो क्लिक करने के लिए, वीडियो क्लिक करने के लिए, जैसे आपने कहीं पे कैमरा फिक्स कर दिया तो अब आप कैसे बार बार कैमरे को कैसे टच करोगे, तो ये रिमोट मिलेगा आपको रिस्ट पे पहनने के लिए, ठीक है। ऐसे होगा ये रिमोट, ये भी वही सब हेलमेट माउंट, इन्हीं सबको गिन के ना इन्होंने 50 पूरे किया, ये भी है, ये सब माउंट है, ये भी। मैं एक चैनल की वीडियो देखती हूँ, उसमें
वो भी ऐसी चीजों की एक अनबॉक्सिंग है, उसमें वो इतनी सारी इतनी भी ऐसी चीजें मिलती है। ऐसा सबसे बढ़िया चीज जो है अपने लिए वो ये है, बैटरी। नहीं ये बैटरी नहीं, ये बैटरी है, बैटरी का चार्जर है, ये चार्जर है, ये बैटरी चार्ज करने के लिए है। दो टिक टिक कर जा रही है, चार्जर है। ये सब चीजें नहीं दिखी है ये इसमें, वो उसमें झुंड में इकट्ठा कर रखा है ना। ये भी माउंट है, कई सारे माउंट दिए हुए हैं। ये माइक के लिए शायद, अगर आपके पास वो गोल पिन वाला माइक है ना, वो कैसे लगाओगे इसमें? तो ये कन्वर्टर है, मतलब इसमें वो लगा के आप गोल पिन वाला भी यूएसबी वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये ऐसे छोटी छोटी एसेसरीज दी गई है, और ये हेलमेट माउंट के लिए है, जहाँ तक मतलब ये सारे माउंट हैं। ये भी है, ये सब धीरे धीरे हम चेक करेंगे। ये ट्राईपॉड है, छोटा सा मिनी ट्राईपॉड। ये मिनी ट्राईपॉड है, ये इसको ऐसे पकड़ के वीडियो बना सकते हो, या फिर ऐसे करके रख दो, ऐसे करके ये बड़ा नहीं हो सकता। नहीं ये इससे लगा दो। ठीक है, ये हो गया ये ट्राईपॉड। ये दो बैटरी छोटी, एक ही है, एक अंदर होगी ना। हाँ ये दो बैटरी है, ये एक बैटरी ये रही और एक बैटरी कैमरे के अंदर होगी। अभी चेक करो ना, खोल के उसको अभी चेक करते ना, लास्ट में चेक करेंगे। एक बैटरी हो गई, और ये क्या है, ये उसी का जो कैमरे का एक और एक्स्ट्रा वो दे दिया होगा ना। हाँ यही वाला, हाँ ये एक्स्ट्रा दिया है। ओ भाई जब मर्जी जहाँ मर्जी मुँह उठा के चल दोगे, ये इसी यही तो चीज है। हाँ ये एक्स्ट्रा दिया है। तो ये हो गया ये डब्बे का, अब हम इस वाले को चेक करते हैं इसमें क्या। ये चार्जिंग केबल है, हाँ ये चार्जिंग केबल। ये माइक, एक्सटर्नल माइक भी इन्होंने दिया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक एक्सटर्नल माइक आपको दे दिया है जो उसके साथ अटैच भी करेगा। ये इन्होंने घड़ी दी है, घड़ी लगाना भूल गए हैं, तो कह रहे वो अपनी पट्टा दे दिया है, घड़ी अपने आप डाल लेना। क्या है ये वो रिमोट, रिमोट लगाने के लिए। ये क्या है, ये वो टाई, और ये क्लीन करके ये स्क्रीन गार्ड वगैरह के लगाने के लिए कुछ, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें भर दो आदमी यहीं पे इम्प्रेस हो जाए। ये क्या है, ये भी सब वही है, बेल्ट वेल्ट बट्टे वट्टे ये सब इसमें लगाने के लिए, छाती वाती पे। इनको नहीं पता हमें इम्प्रेस करने के, सारी 50 चीज़ें, ये तो 50 से ऊपर दे रहा होगा। हाँ तो ये हो गए, सब माउंट है, ये सब छाती पेट पे बांधने के लिए कैमरा। अब ये हम देखते हैं, अब आते हैं मेन चीज़ पे। अभी तो इसके वीडियो देखने पड़ेंगे अपने को, कैसे यूज़ करना है 4K को, कितने उसमें यूज़ करना है, कि कितने FPS पे कहाँ पे किसको कैसे सेटिंग करनी, इसकी सेटिंग सीखनी पड़ेगी। ये ऑन ऑफ के लिए है, और ये ऑन हो गया है। कैसे 21 चीज़ें हैं? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, और अगर इसको भी काउंट करें तो 22। और एक ये 23। ये बात तो सही है, बोला 50 तक का, उसमें लिखा है 50 इन कैमरा। एक बैटरी हो गई, एक बैटरी इसके अंदर हो गई, तो 24 हो गए। ये तो बात है, चेक करेंगे बेटा, इसका टच भी अच्छा काम कर रहा है। अभी इन सब की अनबॉक्सिंग करेंगे छोटी छोटी, मेन की क्या अनबॉक्सिंग दिखा।
इनको खोलना है। टच भी अच्छा है यार। हाँ? हम पुराने जमाने के फोन यूज कर रहे हैं ना, मुझे तो अपने फोन से अच्छा टच लग रहा है। देखिए कितना स्मूथ काम कर रहा है। देखो हटे कैमरे में उनको भी दिखने का। अब वो जो लोग महंगे GoPro यूज कर रहे हैं वो कहते होंगे कि सही नहीं है, पर हमारे हिसाब से तो भाई अपग्रेड ही है। देखो क्या बढ़ गया। पास लेके आओ क्लैरिटी नहीं। बहुत सही टच काम कर रहा है ये ना, लेकिन सही नहीं किया। 4K 30 FPS हम रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट होगी इसके लिए ना। हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि इस पर कोई भी हर कोई मेमोरी कार्ड नहीं सूट करेगा, तो इसके लिए जो है हाई स्पीड अल्ट्रा हाई सुप्रीम अल्ट्रा हाई स्पीड मेमोरी कार्ड ही लगेगा। एक्सट्रीम हाई स्पीड मेमोरी कार्ड इसको सपोर्ट करेगा 4K को। U3 लिखा होगा उस पर, पोर्ट वर्ल्ड लिखा होगा U3। तो वो हमने ऑर्डर किया 850 रुपये का आएगा वो, और नॉर्मली वैसे आपको मिल जाएगा 400-500 रुपये में, 300-400 में 64 GB का। पर ये जो अल्ट्रा स्ट्रीम एक्सट्रीम अल्ट्रा एक्सट्रीम हाई स्पीड वाला है। रुक जाओ ना भी बिना मतलब। अबे इतना लंबा नाम कौन लगता है इस फिल्म का। अरे पहले मुझे रुक जाओ यार, मेरे को जूम जूम चेक कर दो। इसको कब खुली मुझे रिकॉर्डिंग कहाँ से, बैटरी भी फुल चार्ज है इसमें, पर ये स्टार्ट कहाँ से होगी। नो फाइल मतलब कि मेमोरी कार्ड नहीं है। अभी मैंने वो बटन कैमरा वाला बटन दबाया ना, तो उसमें ऑप्शन आ रहा है एसडी कार्ड डालने के। दिखाइए तो दबाओ। अच्छा मतलब बिना एसडी कार्ड के यूज नहीं हो सकता क्या? दबाओ हां दबाओ रेड वाला। नो कार्ड आ रहा है मतलब बिना कार्ड के चलेगा नहीं। हां तो कार्ड हमने मंगवाया, कार्ड हमारा कल आएगा। फ्रंट कैमरा कैसे यूज होता है? ये बंद हो गया। इसकी बैटरी लगता है जल्दी खत्म। नहीं बैटरी है, बैटरी तो मैंने जब इसका वो देखा था इसको कि अभी बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी भाई। भाई आ गया, ये फ्रंट कैमरा आ गया इसका। अगर व्लॉगिंग करनी है तो ये आगे से उससे वो अच्छा फोटो भी नहीं खींचेगा क्या? रिमोट का है ये ना, मैं खींचती हूं। नो कार्ड बता रहा है। एवा शूट ये ग्रे वाला बटन दबाओ, रिकॉर्डिंग के लिए नो कार्ड है। आगे वाली स्क्रीन टच नहीं हुई शायद। तो ये अब बाकी डिटेल तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने सामान दिखा दिया है, क्या लिया है वो बता दिया है। और अब आती है बात इसकी कीमत की, तो इसको पहले मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। और ये भी, और इसको क्या नाम है, ये बिल का है इसका, बिल दिखा ये रहा। तो दोस्तों ये मैंने परचेज़ किया है, पहले ये 9,500 का था, फिर इसकी कीमत बढ़ गई है कुछ, तो 9,889 मतलब 889 रुपीज़ का मैंने इसको परचेज़ किया। ठीक है, ये बिल की फ़ोटो भी लगा देंगे हम। तो ये हमने किया है, बिल की जब फ़ोटो लगा तो एड्रेस नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, और इसके लिए पैसे कहाँ से आए, तो 2 सब्सक्राइबर्स मुझसे मिलने आए, हमारी YouTube फैमिली कहो अगर उनको, सब्सक्राइबर्स इज नॉट राइट वर्ड, क्योंकि अब वो मैं उनके संपर्क में, हमारी अच्छी बातचीत होती है, तो उन्होंने कुछ मेरे को हेल्प किया। तो वो अमाउंट लगभग
GoPro के अमाउंट के आसपास था और मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मेरा मैंने बताया जैसे मेरे आईफोन वगैरह ख़राब हो गए, वो चार्ज नहीं हो रहे, हम धूप में बैटरी रख रख के उसको गर्म करके के चार्ज कर रहे थे, तो दो चार दिन चलता था, उसकी बैटरी डेड हो गई, स्क्रीनें टूटी पड़ी थी, तो पूरा का पूरा मतलब किसी भी टाइम यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालना बंद हो सकते थे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही फ़ोन थे पुराने, तो वो काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे इसको चुना कि जब आप वीडियो ही नहीं डाल पाओगे तो आप यूट्यूब चैनल तो आपका रुक जाएगा और रेवेन्यू वगैरह तो रुकेगा ही रुकेगा, पर प्लस आप लोगों से भी कनेक्शन कट हो जाएगा। तो मैंने इसको एक एक्स्ट्रा इनकम मानते हुए कि एक्स्ट्रा मतलब एक अमाउंट आया मेरे पास, तो चलो उससे नहीं तो पता नहीं मुझे कितने महीने लगते GoPro लेने में। तो ये कहानी है इसके पीछे की, 9889 का GoPro है, 850 रुपये का भी मेमोरी कार्ड आएगा और छोटी मोटी चीज़ें भी इसके साथ ऑर्डर मुझे लेनी पड़ेंगी, तभी आप इसको ढंग से यूज़ कर पाओगे। तो इससे जो व्यू की क्लियरिटी आएगी, प्लस इसमें जो मेमोरी कार्ड डलने के बाद मैं लंबे लंबे वीडियो या एक सप्ताह की वीडियो, क्योंकि यहाँ पे कभी बार लाइट की प्रॉब्लम होती, बहुत सारी दिक्कतें होती है, आवाज़ क्लियर नहीं होती, तो वो सब चीज़ों से अब थोड़ा सा एक कहते हैं कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो आप काम कैसे करोगे, तो ये मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैंने इसका अमाउंट बता दिया और पैसे कहाँ से आए ये बता दिया और क्यों इसी को लिया, हालांकि कायदे में मैं अभी लेना नहीं चाह रहा था, पर मेरा काम रुक जाता किसी भी टाइम, मेरे फ़ोनों की स्क्रीन टूटी पड़ी थी, कभी बंद हो जाती, तो जो भी है आपको मैंने सब कुछ बता दिया। ओके, गुड बाय, थैंक यू।